Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. Friends, जैसे हर वीक आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो बनाता हूँ, इस वीक भी बना रहा हूँ friends. लेकिन friends एक चीज मैं बनाने के लिए आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेपरेशन एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे को रिकमेंडेशन देने का कोई अथॉरिटी नहीं है. बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे को पूछते रहते हैं, विद्युत जी थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में अपडेट दे, तो हर एक को कैसे बताए, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ना. मेरे को इसे वीडियो से कुछ पैसा अगर इनकम करना है तो मैं हर रोज वीडियो बनाता था, तो कुछ कुछ जैसे हर लोग बनाते हैं, तो उतना मेरे को मोटिव नहीं है तो फ्रेंड्स को अपडेट करने के लिए, तो उसके जिस टाइम में जिस वीक मेरे को टाइम नहीं मिलता है उस वीक वीडियो भी नहीं बनाता हूँ. मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट मैंने बोला था निफ्टी आप ही होगा, आप ही रहेगा, लेकिन तब भी मेरा मन में एक डाउट है, अगर नेक्स्ट वीक जो वो ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट को अगर कन्फर्मेशन मिला नहीं मिला तो ब्रेकआउट को अगर कॉन्फर्मेशन नहीं मिला उस पर क्या था, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट था. ब्रेकआउट के बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल का बहुत जरूरी है, तो वो कॉन्फर्मेशन कैंडल अगर नहीं मिलके उसी इमिडिएटली अगर उसी वीक में रेड में कन्वर्ट हो जाता था, जैसे लास्ट वीक देखा था हम लोग कंसोलिडेट किया था, लेकिन लेट वीक का क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है, तो वही मेरे को बताना था जो वो स्ट्रांग क्लोजिंग का एक जरूरी है ब्रेकआउट के बाद, तब मैंने बोल सकते हो कन्फर्म हो गया. तो नाउ अभी मैंने बहुत ज्यादा मुझे 20,000 बहुत जल्दी आ रहा है, तो लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन तो रहेगा मेरे हिसाब से, तो उतना आसानी से ऊपर तो नहीं जाएगा. चलो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कैसे क्या होता है, चार्ट के हिसाब से देख लेता हूँ. वो एक्चुअली तो मैंने जो बोला था बड़ा टारगेट 30-32,000 जो नेक्स्ट 2 साल में वो आने वाला है फ्रेंड्स. अभी देखो मार्केट में कभी भी रॉन्ग होता हो तो आप लोग मेरा जो रेगुलरली वीडियो देखते हो उन लोगों को पता है मेरा प्रेडिक्शन जनरली पार्ट पे मतलब आता है. जैसे मैंने 19,000 का बीच में 18 से 19,000 का बीच में से करेक्शन बोला था, आया था नीचे बोला था वो भी हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या है मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरा पहले भी सही हुआ मतलब उसके बाद में भी सही होगा, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, उसमें मार्केट का हम लोग से फॉलो कर सकते. मार्केट को क्यों इसे मैं बोल रहा हूँ कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए ये चाहिए, चलो आप लोग अभी दिखा देते हैं मार्केट का चार्ट में जाते हैं. चार्ट में अगर देखेंगे देखो मंथली चार्ट पे एक बहुत बड़ा अपमूव था, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया था. चलो ड्राइंग में जाते हैं, तो ड्राइंग में क्या होता है मार्केट अगर बड़ा अपमूव के बाद एकदम स्ट्रेट अपमूव है उसके बाद एक फ्लैग जैसे बनाया उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये फ्लैग का जो टारगेट है ये जो फ्लैग का पुल जिधर से स्टार्ट हुआ था उधर से अप तक वो उतना ये ब्रेकआउट पॉइंट से मिलता है. तो अभी चार्ट में देख लेते हैं तो निफ्टी का जो ब्रेकआउट पॉइंट है तो वो 17,900-17,600 के आसपास, तो और इस जगह पे पोल चालू हुआ अब तो मतलब कोई 7,500 मतलब ये 10,000 पॉइंट का एक पोल है, तो इस जगह के 17,500 प्लस 10,000 27,000-28,000 तो इसमें दिख रहे हैं पोल का टारगेट की सबसे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है. ब्रेकआउट कन्फर्मेशन है, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है तो मैं बोलता हूँ देखो नीचे भी आए नीचे आया ना तो लेकिन तब भी ये ऊपर गया, ये ब्रेकआउट एक बार अगर इसको कंफर्मेशन कैंडल मिल गया इस पर कोई रोक नहीं सकते फ्रेंड्स. तो सेम इधर भी वही हुआ, देखो इस जगह पे लास्ट मंथ का ये मंथली चार्ट पे है, मंथली चार्ट पे तो ब्रेकआउट मिला मतलब तो मंथ क्लोज होगा तब भी बोल सकते कंफर्मेशन. वीकली चार्ट पे मैं देख लेता हूँ, तो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे देखो मैंने अगर इधर से ड्रॉ किया इस जगह पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, उसके बाद उसके क्लोजिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. देखो नेक्स्ट वीक में उसका ऊपर से करेक्शन था लेकिन वो जगह को वो क्रॉस कर गया, वो जो करेक्शन जिस जगह पे मैंने बोला वो जिसका बाइंग से जो ऊपर गया उसको उतना कॉन्विक्शन नहीं है, तो नया बाइंग चाहिए और देखो नया बाइंग आया उसको ऊपर लेकर गया, तो मतलब नया नया बायर्स आ रहे जो विथ कॉन्विक्शन, तो इस जगह पे और जो ऐसा पैटर्न बनता है ना एक जगह पे कॉन्विक्शन नहीं है और नीचे, तो ये जो बायर्स का कॉन्विक्शन चला गया उसके भी कॉन्विक्शन आ जाते तो वो भी तब ऐड हो जाता है, तो सब मिलके इसको ऊपर लेकर जाता है, तो इस पैटर्न जब बनता है तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है. तो इस जगह पे मैंने तो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि एक 20,000 का एक वो है, तो मेरे को जो लगता है कि 20,000 का उधर जाएगा तो उसके बाद 1-2 महीना शायद कंसोलिडेट करेगा, जैसे इस जगह पे 20,000 पे आके इसे कंसोलिडेट करेगा टाइट
कंसोलिडेशन करेगा 20,000, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा मार्केट, 20,100-200 जाके शायद इधर से 500 पॉइंट, तो इधर और 700-800 पॉइंट चला, 20,100-200 आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से 500-600 पॉइंट का करेक्शन, तो इस जगह पे ऐसा ऐसा 1,000 पॉइंट के टाइम ट्रेन पे शायद 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो उस टाइम पे शायद स्मॉल कैप, जो देखो स्मॉल कैप और मिड कैप ये सब का, जो मिड कैप का तो पेंडिंग नहीं है, मिड कैप ऑलमोस्ट स्मॉल कैप के साथ चल रहा है, तो उसका शायद मूव होगा। चलो निफ्टी स्मॉल कैप देख लेते, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। देखो स्मॉल कैप जब भी करेक्शन हुआ ना, तब जनरली स्मॉल कैप का जब क्या कहते हैं, निफ्टी और स्मॉल कैप का जब भी डिस्टेंस पास पर जाए, जैसे इस जगह पे आप देखो कितना था, ऑलमोस्ट 9,600, उस टाइम 2018 में निफ्टी था 11,000 का आसपास, तो 9,700 का गया था, 1,500 पॉइंट का डिफरेंस था, तो उस जगह से एक बड़ा करेक्शन आया था। तो आप अगर इस जगह पे भी देखो, इस जगह पे तो बड़ा करेक्शन नहीं बोल सकता हूँ, 2006 में भी लगभग वही हुआ था, तो लेकिन जब डिस्टेंस डिफरेंस बढ़ता है निफ्टी और स्मॉल कैप का, जैसे इस जगह पे आप देखोगे ये 3,000 ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास आ गया था, और निफ्टी उतना करेक्शन के बाद भी तब से आता है, तो 3 गुना था तो निफ्टी ऑलमोस्ट, तो उस जगह पे तो ये डिफरेंस जो बढ़ता है, तो इस जगह पे देखो अभी स्मॉल कैप 11,000 का रेंज पे है, और स्मॉल कैप निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 का रेंज पे, तो अभी 9,000 पॉइंट का एक डिफरेंस, जो ह्यूज एक डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट इसको निफ्टी के ये डिफरेंस तो स्मॉल कैप मेकअप करेगा, कब करेगा पता नहीं, आने वाला 1-2 साल में एक कर सकते हैं, तो शायद जो निफ्टी 12-22-23 हजार गया, तो उस टाइम शायद स्मॉल कैप 20,000 चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो आने वाला टाइम जो स्पेस है उस जगह पे स्मॉल कैप का स्पीड बढ़ेगा, और यही रीजन है जो मैंने स्मॉल कैप इतना ले रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली निफ्टी 22-23 हजार जाएगा तो स्मॉल कैप नहीं जाएगा, स्मॉल कैप 20,000 का नीचे ही जाएगा रहेगा, लेकिन तब भी हम लोगों को इधर से डबल होने का चांस है। तो पटाखा वाला स्टॉक तो बहुत, नेक्स्ट 1-2 साल तो मार्केट बहुत चलने वाला है छोटा छोटा स्टॉक, तो आप लोग आज स्मॉल कैप का थोड़ा डिटेल में देख लेते। इस जगह पे मैंने बोला था थर्ड फैन, तो ये जो थर्ड रिटेल लाइन है ये ब्रेक होने के बाद बहुत ज्यादा चला गया। देखो ये ब्रेक होने के बाद मैंने भी मार्केट में एंट्री इसके बाद ही लिया था, मैंने आप लोगों को जैसे बोला था ये ब्रेक करेगा तो मैंने तब भी एंट्री लूंगा, तो कुल पे एंट्री मेरे को ऑब्वियसली, मैं आप लोगों को पहले भी बोला, मैं 50-60% तो हमेशा मेरा पोर्टफोलियो में रहता है, पूरा पोर्टफोलियो कभी खाली नहीं कर सकता, जो 40% कैश लेके बैठा था वो फिर से इधर मैंने डिप्लॉय कर दिया। तो ये देखो इस जगह पे जो लास्ट आई था, जो लास्ट जो बड़ा सेलिंग था, तो उसको तो इस जगह पे ये क्रॉस कर गया, तो इस जगह पे क्रॉस कर गया, तो अभी के लिए तो ये कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर ही आ रहा है, तो इस जगह पे मेरे को लगता है इस जगह पे जो 12,000 का रेंज है, इस जगह पे एक बड़ा सेलिंग चालू हुआ था, तो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा उस जगह पे इधर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं, तो उसके बाद जो मूव आएगा उस टाइम को कोई नहीं रोक सकता, तो पोर्टफोलियो भी उसे चलेगा। तो अभी लास्ट वीक हम लोग देखा, चलो कौन सा बैंक निफ्टी एक बार देख लेते, बैंक निफ्टी बहुत क्रिटिकल पॉइंट में है, तो बैंक निफ्टी बताना जो भी है। देखो बैंक निफ्टी अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे, देखो इस जगह पे एक बार ये जो ट्रेंड लाइन इधर से अगर ड्रॉ करेंगे, तो इस जगह पे इसको रिटेस्ट करके नीचे गया था। अभी जनरली क्या है, तो देखो ये पैटर्न क्या है, कप एंड हैंडल तरह का एक पैटर्न बनाया, तो इस तरह का पैटर्न जब देखो ये अगर नीचे चला आता था इस लेवल पे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये ब्रेकआउट देखे फिर से मिडिल से ही वापस चला गया, तो मिडिल से जो बजा वापस चला जाता है वो क्या होता है, इसको ब्रेक करते हैं। देखो इस जगह पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ब्रेक करने के पहले थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, तो लेकिन मेरे को पता है मेरे को चार्ट पैटर्न से लग रहा है ये ब्रेक करेगा। देखो वो ट्रेंड लाइन एक्चुअली सिर्फ इधर से चालू नहीं है, वो ट्रेंड लाइन एक्चुअली इधर से चालू हुआ 2019 से चल रहा है, इसको बहुत बार वो ब्रेक किया, लेकिन इस जगह पे देखो एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बनाया, तो हेड एंड शोल्डर इस जगह पे मेरे को लगता है क्योंकि इधर टच पॉइंट बहुत बार हो गया, और अभी क्या है बहुत क्लोजली मूव कर रहा है, तो बहुत क्लोजली मूव कर रहे हैं, कि जो सेल कर रहे हैं उसको सेलिंग के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और सेलिंग पावरफुल नहीं है, तो इसके ऊपर तो जा नहीं पा रहा है, तो इस जगह पे अभी लग रहा है इस जगह पे देखो कॉन्फिडेंस लास्ट 3 महीने से इसी जगह पे, बाकी बार जब भी करेक्शन हुआ देखो इमिडिएटली नीचे चला गया, लेकिन इस जगह पे देखो लास्ट 3 महीने से एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो ये ब्रेक करने का सिग्नल है। तो बैंक निफ्टी एक बार इसको ब्रेक कर गया तो 50,000 तो आएगा, तो उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है फ्रेंड्स। अभी जैसे लास्ट वीक और कौन सा सेक्टर चलने वाला है, मैंने चार्ट पे देखा, चलो सात चार्ट को खोल के देखा नहीं सकता, लास्ट वीक आईटी चला था, तो इस वीक मेरे को चार्ट देख के लग रहा है फार्मा चलेगा,
चलो देखते हैं, अगर फार्मा चलेगा तो आप लोगों से बात करेंगे। चलो फ्रेंड्स, खत्म करने के पहले एक चीज, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।